साथियों, आप अगर रिटायर्ड हुए हैं और आपको पेंशन के रूप में मात्र 1000 रुपये मिल रहा है, 35 साल लगातार काम करने के बावजूद भी आपके हाथ में 1000 रुपये आ रहा है, तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इसी प्रकार करीब करीब 50 से 60 लाख और उससे ज़्यादा पेंशनधारियों के साथ हमारी सरकारें मजाक करती आ रही है। आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज़ और मैं शिव सिंह आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बारे में कुछ खबरें। दरअसल कई बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री सीतारमण से मिलने के बावजूद भी बात नहीं बनी और राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा 1000 को लेके 1000 पेंशन की बजाय 7500 पेंशन और विधवा पेंशन में 100% तक की बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कई बार केंद्र सरकार से की गई है, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है। उसी क्रम में सन 1995 से 2020 तक करीब करीब 11 लाख पेंशनधारियों की मौत हो चुकी है और जो बचे हैं उसको लेकर के अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति आज से उग्र प्रदर्शन करने की बात कर रही है। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में रायपुर पंडरी में LIC ऑफिस के सामने ये धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय संघर्ष समिति का शुरू होगा और एक दिवस से धरना प्रदर्शन ये रखा गया है। इस तरह की खबरों के लिए आप गूंज लाइव न्यूज़ में बने रहें। आपके पास अगर कोई खबर है तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। फ़िलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ से मैं शिव सिंह विदाई चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।